जैसा कि बेटा बताया हम यहां तक पहुंच गए थे, इस ये बताया मैंने ए नोट का डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा और इसका ए नोट का डिटरमिनेंट इन सब की प्रोडक्ट होगा, इसे हम नॉर्म ऑफ अल्फा बोलेंगे। तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या जाएगा जी, अल्फा के जितने भी कंजुगेट्स हैं उन सब की प्रोडक्ट हो जाएगी। बट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेट ऑफ अल्फा एंड, अब एक बात है कि जो प्रोडक्ट है ये कंजुगेट्स ऑफ अल्फा की प्रोडक्ट है, ठीक है, और दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होती है, माइनस वन रेज टू पावर एन टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, इन द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा। बट कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है भाई, कॉन्स्टेंट टर्म होती है जी इंटीजर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मस्ट बी इंटीजर होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि नॉर्म जो है अल्फा की वो क्या आएगी, इंटीजर आएगी। अब दूसरी बात पर चलते हैं, अब ट्रेस की बात करें। ट्रेस ऑफ ए नॉट, यहां पर ट्रेस ऑफ एस इनवर्स ए एस के इक्वल आएगी, जो कि ट्रेस ऑफ ए होगी। अब ये ट्रेस कैसे निकालें, बहुत सिंपल सी थिंकिंग है। हाउ वी कैन फाइंड ट्रेस, ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इस सब का सम। पिछले में आया था इन कंजुगेट्स की प्रोडक्ट, अब आया है इन कंजुगेट्स का सम। बट ट्रेस ऑफ ए नॉट इज जस्ट सम ऑफ द कंजुगेट ऑफ अल्फा, सम ऑफ कंजुगेट अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इन द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा। बट दिस कोफिशियंट मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि आपकी जो पॉलिनोमियल है उसके सारे कोफिशियंट इंटीजर हैं। सो ट्रेस ऑफ ए नॉट इज इंटीजर, ये हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन। यदि आपके पास ये फील्ड है, पहला तो काम ये प्रूव करना है कि ये आई रिंग ऑफ इंटीजर में, और दूसरा ये प्रूव करना है इन दोनों की ट्रेस, आई की ट्रेस और नॉर्म दोनों इंटीजर। यदि हम आई के साथ लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशियंट इंटीजर हैं, और क्या है, कोफिशियंट इंटीजर हैं, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल और आई इसका रूट है, ठीक है, हो गया जी। तो ये आपका इंटीजर हो गया। इंटीजर होने के लिए क्या आता है, एक मोनिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करे जिसके कोफिशियंट क्या हो, इंटीजर। तो इस प्रकार आई जो है रिंग ऑफ इंटीजर हो गया। अब इस आई के जो कंजुगेट होते हैं वो दो होते हैं, एक तो आयोटा और एक माइनस आयोटा। अब जैसे कि ट्रेस अभी बताइए, आपको क्या बताइए ट्रेस आई की,
सम ऑफ कंजुगेट्स क्या आ गया जी, जीरो। नॉर्म प्रोडक्ट वन, बोथ आर इंटीजर। अब बात आती है जी इसकी वेरिफिकेशन की, बेशक आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। आपने पीछे क्वेश्चन किया था, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं याद दिलाने के लिए कि आपने क्या किया था। हमने इसका इसका क्वेश्चन नहीं किया, अब इसका क्वेश्चन खुद ट्राई करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर दो। यदि हम फील्ड ये ले लेते हैं, पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि ये क्या है रिंग ऑफ इंटीजर्स में से। वही बात कि ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जेड एक्स में, इसके कोफिशिएंट इंटीजर हैं और मोनिक है, दिस इसका मतलब ये हो गया रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसके जो है ना, इस एलिमेंट के यानी इस पॉलिनोमियल के तीन रूट होते हैं, ये एक दो और तीन। तो ये इसके क्या हो गए, कंजुगेट रूट्स। अब ट्रेस निकालनी है ना, इन तीनों का जोड़ तो ट्रेस, जो कि जीरो आएगा, और इनकी प्रोडक्ट जो कि दो आएगी। अब वेरिफिकेशन करनी हो तो क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं उससे इसकी वेरिफिकेशन भी आपको बताता हूं। हमने फील्ड ली थी जी ये, और आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी, याद करो, और इसकी मदद से यदि आपने बेसिक एलिमेंट ये लिए थे, हमने आपने मैट्रिक्स ये बनाई थी, जहां से ट्रेस आई थी जी 3A और नॉर्म आई थी ये। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। यदि हम इस एलिमेंट को यहां रखें, इसका मतलब पता है क्या है, ए जीरो बीज वन एंड सी जीरो, तो ट्रेस तो हमारी क्या आएगी जी, जीरो, जो अभी भी क्या आई है, जीरो। और नॉर्म क्या आएगा जी, टू, अभी भी कितना आया है, टू। तो दिस इज वेरीफाइड। तो ये था आज का सवाल, कल हम अगले एग्जाम्पल के साथ आपको अगला पॉइंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।